हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और शाम का टाइम है और गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा है। कहीं पे तो इतना तूफान है, चल रहा है, बारिश हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और शाम को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मैं अपना दाल बना रही हूँ, मूंग की छिलके वाली, और भिंडी बनाई है। सोचा थोड़ा सा काम निपटा के और थोड़ी देर बाहर टहल लेंगे। बाहर टहल के क्या हो जाता है, थोड़ा सा मन सा बहल जाता है। और ये जो उमस, गर्मी की जो उमस है, इस टाइम तो अंदर रुका ही नहीं जाता, थोड़ी देर बाहर जाने के लिए मन करता है। तो देखिए, मेरी दाल रेडी हो गई है और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती, टेस्ट आ जाता है। और रोटियां बना रही हूँ, पहले मैं बच्चों की रोटी बनाऊंगी और बेटे को खिला के उसके बाद अपनी बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, वो अभी छोटा है, अपने आप से नहीं खा पाता, तो उसको बैठ के खिलाना पड़ता है। और साथ के जल्दी खिला देती हूँ, तो फिर जैसा सोता है तो उस दूध पी लेता है, और अगर नहीं तो लेट खाता है तो नहीं पी पाता दूध। और खाने के बाद फिर मैं अपना खाना बना के थोड़ी देर बाहर को इसको घुमा लेती हूँ, एक दो चक्कर काट लेते हैं। बाहर तो कहीं जाना नहीं होता। तो देखिए, बच्चों का खाना रेडी हो गया है। और अथर्व के लिए तो मैंने थोड़ी सी दाल भी रख ली थी, और परी को जो बचे हुए थे पनीर की सब्जी और भिंडी से खाएगी। और ये मैं बना रही हूँ अपना शाम का दूध रात में। इसको मैंने घी डाला था, जो देसी घी होता है, और उसके बाद थोड़ा सा घी गरम करने के बाद मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन। और ये है ना, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिए। और जिसको थोड़ा बहुत जुकाम रहता है वो भी इससे है ना बिल्कुल ठीक हो जाता है, रात को सोते टाइम पी लीजिए। और इसमें मैंने दूध डाल दिया है। और फिर मैं इसमें गर्म होने के बाद थोड़ा सा चीनी और हल्दी मिला दूंगी, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना कोई पीता है मीठा। और इसमें मैंने हल्दी मिला दी है। और देखिए, मेरा इम्यूनिटी बूस्टर वेल का हल्दी वाला दूध बनकर रेडी हो गया है। और जब से ये बीमारी चल रही है तब से तो मैं ज़्यादातर ऐसे कर लेती हूँ, इसको अजवाइन और हल्दी का दूध मिक्स करके पी लीजिए। और आप लोग भी पी के देखना, ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी टेस्ट भी होता है, और हेल्थ के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको